चुके हैं, घर जाके भी मैं साड़ी नहीं, झूठ बोल गई, घर जाके भी मैं साड़ी पहन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं गांव, गांव यानी कि मेरे ससुराल। जैसा कि गांव के पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे फंक्शन है, तो उसके लिए हमें जाना है। और अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए। और ये रहा मेरे साथ अयान, ये छोने वाला है अभी, इसको नीनू आ रही है क्योंकि रात को इसने बजा दिया एक, सोया नहीं, और सुबह 5 बजे बिना उठाए उठ गया। आज स्कूल नहीं जाना था ना, स्कूल जाना होता तो कैसे उठता ये है? मम्मा ने इतनी तेज बोला कि मैं, हाँ कितनी तेज बोला, मैं तो पापा को उठा रही थी तो उठ गया अपने आप ही। और जब स्कूल जाना होता है, जब मैं उठाती हूँ, जब तो नहीं उठते आप, क्योंकि आप किसी को बोल नहीं रहे होते तो गाइज जो हमारी गाड़ी की तेल की टंकी है वो फिर से खाली हो गई। पिछले व्लॉग में आप देखा था हमने 2100 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, और अब आज फिर से इसमें पेट्रोल डलवाने की बारी आ गई। कितने का डलवाया है? 1000। आज लो फिर 1000 का डलवाया है, फिर पेट्रोल, अरे रुक जाओ मैं तो लगा। अच्छा तो आज फिर से 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, फिर इसकी टंकी जो है पानी की तरह पी रही है तेल को। अगर बड़ी गाड़ी चाहोगे तो यही होगा, इस अब तुम तो कह रहे हो इससे भी बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी, इससे बड़ी मतलब इससे ऊंची, इससे ऊंची लेंगे तो बड़ी, मतलब पिएगी तो भी पिएगी, हाँ तो ऑब्वियसली तेल डीजल वाली लेंगे, इससे बड़ी, इससे बड़ी डीजल वाली लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डीजल कम, डीजल में पैसे कम लगते हैं। गैस वाली तो बड़ी में थोड़ी आती है, गैस ऊंची गाड़ियों में गैस नहीं आती, सीएनजी नहीं आती। अरे तो कुछ तो लेवल रखोगे। पूछे फुटका से छोरे ने 5.5 की लावण करी सुन ले लेते नहीं लेते तेरे सेक्टर पर डाणी से कहां है डाणी कहां है आ गई। तो गाइज हम लोग गांव किस लिए जा रहे हैं, मेरे जो देवर देवरानी हैं जिनकी लास्ट टू लास्ट ईयर शादी हुई थी, उनको बेटा हुआ है, और हमारे यहाँ बेटा होता है तो कुआ पूजन का फंक्शन होता है, उसके लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और वहाँ पर है कुआ पूजन का फंक्शन, और अभी जाते ही हमें हवन होते हुए मिलेगा वहाँ पे। तो गाइज जब तक हम पहुँचे यहाँ पे हवन ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। हेलो हेलो, हम लेट आए हैं ना आज, बहुत लेट आए, खत्म हो गया सब कुछ, सबसे लेट आए हैं आप लोग, पता नहीं जल्दी आना चाहिए नहीं, हाँ खत्म हो गया हम जब तक आए तब तक। हेलो हेलो, इधर ये बैठे हुए सारे, हाय फोटोग्राफर, हेलो दीदी बन, दीदी आज फोटोग्राफर बन रही हैं, सबकी फोटो ले रही हैं, कर रही हूँ मैं। हेलो, ये भाई मेरे देवर देवरानी जिनके बेटा हुआ है, खुश रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। तो गांव में क्या होता है ना कि दिन में जो है गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए फंक्शन किया जाता है, जिसका कि अरेंजमेंट मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो पूरा टेंट लगा के इसी में रात को फंक्शन होगा, और इसी में दिन में ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इधर जेंट्स है और इस पर्दे के उस साइड लेडीज़ के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है खाने का, इसमें लड्डू पूरी सब्जी वगैरह होती है, और यहाँ पे हम सब देवरान जेठानियाँ बैठ के गप्पे मार रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो गाइज अभी बज गए हैं 4:00, और ये देखो ये ऐसे लोग कपड़े वपड़े चेंज करके रेडी होने की तैयारी कर रहे हैं, अभी होने वाला है कुआ पूजन का टाइम, दीदी भी आउटफिट चेंज करके खड़ी हुई है, और ये रही निकिता इधर। अब तुम दोनों बताओ तुम क्या करने वाले हो? अभी हम पार्लर स्ट्रेट करें, वो लगा दिया इन्होंने, पार्लर ओपन हो चुका है, अब धीरे धीरे करके सब रेडी होंगे, और हमें पहननी है साड़ी। दीदी आप क्या पहनोगे? साड़ी, हाँ साड़ी पहनेंगे दीदी, तो हमें पहननी है साड़ी, तो हमें कम से कम 2 घंटे चाहिए तैयार होने के लिए, जब वहाँ पे जिसको बेटा हुआ है वो तैयार होने लगेगी ना, तो हम भी होने लग जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे रेडी होने में। Yeah.
है हम बहुओं की हालत, पूरा मेकअप जो है वो बह चुका है और पसीना पसीना हो चुके हैं, और मैं और मेरी देवरानी हम तो दोनों इस साड़ी में ही उलझे रह जाते हैं। एक बार घर से पल्ला पकड़ो, एक बार इधर से पल्ला पकड़ो, हमें समझ ही नहीं आता। बहुत गंदी गर्मी, बहुत ही गंदी, इतनी गंदी गर्मी है कि निकिता को बड़ा मजा आ रहा है, कह दीदी मैं साड़ी चेंज नहीं करूंगी, घर जाके भी मैं साड़ी घर जाके भी मैं साड़ी पहन के रखूंगी। मैं तो अभी जाते ही एक दो रील बना के, अगर मौका लगा तो, नहीं तो मैं कर दूंगी चेंज जाते ही। और निकिता कह रही दीदी मैं रात तक इन्हीं कपड़ों में, डीजे पे भी इन्हीं कपड़ों में डांस करूंगी। गाइस जब कुआ पूजन हो गया ना, और उसके बाद जब हम लोग घर आए, तो यहाँ पे आके ना हम लोगों ने कंपटीशन रखा आपस में कि आपस में ना आई टू आई कांटेक्ट रखेंगे और फोटो क्लिक कराएंगे, और जो ज्यादा देर तक रखेगा वो जीत जाएगा। तो ये जो दीदी हैं जिनके पास मैं खड़ी हुई हूँ, मेरी जेठानी जो है, इनसे ना कोई आंखें नहीं मिला पा रहा, क्योंकि ये सबको हंसा देती हैं। पहले ही इन्होंने चैलेंज लिया था कि मैं सबको हंसाऊंगी, मैं करने ही नहीं दूंगी, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। बट मैं जीत गई, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को, मैंने किया इनके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट। यहाँ पे गाइस मेरी जो देवरानी है, ये सबकी पग पढ़ाई कर रही है, यानी कि अपने से बड़े लोगों को सबको पैसे दे रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रात को हम सोए भी लेट थे, और मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि अभी अभी उठ के आई हूँ, छत पे आई हूँ, क्योंकि जिन दीदी के घर में हम रुके हुए हैं, इनके घर में ना ऊपर छत पे सिर्फ एक ही रूम है मेरा। मैं नीचे से उठ के आई हूँ, और मैं ये दिखाने के लिए आई हूँ कि अभी अंधेरा है चारों तरफ। ये देखो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और ये मैं दिखा देती हूँ नीचे का सिस्टम। जो रात को यहाँ पे टेंट लगा हुआ था फंक्शन के टाइम पे, उसके हालात ऐसे हैं, सब कुछ उखाड़ के ले गए वो। इनके घर पे फंक्शन था, जिनके घर पे लाइट्स लगी हुई है, सब कुछ उखाड़ के ले गए, खाली सैलेड छोड़ गए। और देखो गाइस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, इधर सामने खेत ही खेत है। दीदी गई, अच्छा ये रही ना दीदी, बाय। अरे अंधेरा आ रहा, रुक जाओ, बाय बाय माँ जी, बाय बेटा, सारा माँ बेटा, बाय बाय बाय। अब कब मिलेंगे, आप कब आओगे अब गुड़गांव? कब आज जाऊंगी, टाइम लगेगा कपास। ठीक है माँ जी, ठीक है, ठीक, चलो बाय। गाइज ये हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और आप देख लो गांव की मॉर्निंग कितनी फ्रेश दिखती है। रात को ओस गिरी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में बारिश हल्की हल्की हुई थी, पूरे दिन मौसम ऐसा ही था। तो गाइज अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। बाय बाय।